नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। वाराणसी की गंगा नदी का पानी अचानक हरा हो रहा है, जो जलीय जीवों के लिए खतरा बन सकता है। इस नई परेशानी ने नमामि गंगे के अधिकारियों के साथ साथ लोगों की भी चिंता बढ़ा दी। गंगा नदी में ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। आखिर क्यों गंगा के पानी में पनप रहे हैं हरे शैवाल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में गंगा नदी का पानी स्नान करने जा रहे लोगों के साथ साथ जलीय जीवों के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि गंगा नदी के पानी में हरे शैवाल तेजी से पनप रहे हैं और उन्होंने पूरे पानी को हरा कर दिया है। गंगा नदी में पैदा हो रहे शैवालों ने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आखिर नदी का पानी अचानक हरा क्यों हो रहा है, इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी चौंकाने वाली रिपोर्ट वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि विध्यांचल में पुरानी तकनीक से बने एसटीपी से हरे रंग के शैवाल बहकर वाराणसी आ रहे हैं। पिछले दिनों हुई बरसात में इसकी संख्या काफी ज्यादा थी। वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा। गंगा में जलस्तर कम होने के कारण पानी का प्रवाह धीमा पड़ गया है, इसकी वजह से शैवाल की समस्या उत्पन्न हो गई है। नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ साथ प्रवाह तेज होगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। पिछली बार मिर्जापुर के पास लोहिया नदी से ये शैवाल गंगा में आए थे। हरा शैवाल गंगा के भीतर मौजूद इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं होता, जलीय जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बीएचयू में इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर कृपा राम ने बताया था कि जल में यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया होने से एल्गी ब्लूम यानी हरे शैवाल बनते हैं। ऐसा तब होता है जब जल में न्यूट्रिएंट काफी बढ़ जाते हैं, इस कारण गैर जरूरी स्वस्थ जीवों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। शैवालों को प्रकाश संश्लेषण करने का सबसे उपयुक्त वातावरण मिलता है, इससे पानी में ऑक्सीजन कम होने लगता है, जिसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे पहले प्रभावित होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्राथमिक जांच में ये भी बात सामने आई थी कि गंगाजल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक मानकों में ज्यादा होती है। शैवालों के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से गंगा का इकोसिस्टम प्रभावित होता है और उससे गंगा में रहने वाले जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर संकट मंडराने लगता है, और इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। गंगा नदी में हरे शैवाल जलीय जीवों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पानी में ऑक्सीजन कम होने लगता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में भी ये बातें सामने आई हैं कि गंगा जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा निर्धारित मानकों से ज्यादा हो गई है। शैवालों के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से गंगा का इकोसिस्टम प्रभावित होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।